बिहार में कैबिनेट विस्तार होने की बात मॉनसून सत्र में ही की जा रही थी, जहां पर कांग्रेस और राजद कोटे से मंत्री बनाने की बात हो रही थी, लेकिन इस पर कुछ नहीं हुआ है। और इस मामले को लेकर के अब बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सरकार पर निशाना साधा है। बचौल ने कहा कि बिहार में एक सीएम नहीं है, बिहार में तो दो दो सुपर सीएम है, लालू यादव और तेजस्वी यादव। तो वहीं विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर भी तंज कसा है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल। मॉनसून सत्र से पहले ही बातें सामने आ रही थी कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन नहीं हुआ, कैसे देखते हैं? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार का हक जो है वो मुख्यमंत्री जी को है, लेकिन यहाँ तो दो दो सुपर सीएम हैं, लालू जी और तेजस्वी जी। तो जब सुपर सीएम चाहेंगे तब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, वैसे अब वो मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे, उनकी कुर्सी जाने वाली है एक आध सप्ताह दो चार दिन में तेजस्वी जी सीएम बन जाएंगे। आपने देखा होगा कि बेंगलोर में किस तरह कुर्ता पैजामा बंडी सिला करके गए थे, अब बेआबरू होकर के निकले हैं। इससे अब स्पष्ट प्रमाण हो गया कि नीतीश कुमार जी का चैप्टर क्लोज्ड हो गया बिहार में। पिछले बार जब पहली बैठक बिहार में हुई थी तो राहुल गांधी ने खुद नीतीश कुमार को कहा था कि कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर क्या बातें हैं। कांग्रेस की तरफ से दो नाम रखे गए थे, लेकिन नीतीश कुमार अब तक कुछ नहीं सुन रहे। और कल भी जिस तरीके की तस्वीरें नजर आई हैं, नीतीश कुमार आते हैं ना पटना में कुछ बोलते हैं ना वहाँ पर कुछ बोलते हैं, कैसे देखते हैं? उस समय भी मेरे ही बात की सत्यता होती है कि तेजस्वी जी से पूछे थे, तेजस्वी जी से पूछे थे कि कैगो क्या कब, तेजस्वी जी को बोल दीजिए। तो सुपर सीएम लालू जी तेजस्वी जी जब चाहेंगे तब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। पहली बार जब बिहार में बैठक हुई तो सकारात्मक जो है वो महागठबंधन के द्वारा कहा गया, दूसरी बैठक में नाम बदल दिया गया, अब तीसरी बैठक महाराष्ट्र में होनी है, कैसे देखते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी लुटने, लुटेरों ने इंडिया नाम कंपनी दे करके बनाया है। जनता देख रही है भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों को, सबों को बुखार उतार देगी 24 में, आप देख लीजिएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौर, साफ कहा कि जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वैसे ही इन लोगों ने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि बिहार में दो दो सुपर सीएम हैं तो नीतीश कुमार क्या करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज स्टेट, पटना। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, देखिए गठबंधन के नए नाम इंडिया पर जमकर सियासत हो रही है, ऐसे में बीजेपी वालों का क्या कुछ कहना है इस मामले पर? बिल्कुल, देखिए इंडिया जब से नए गठबंधन का नाम रखा गया है उसके बाद से लगातार बिहार में और देश में जो सियासत है वो हो रही है। एक तरफ जहां महागठबंधन है वो पुराने क्लिप निकाल रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण में कहा था कि वोट फॉर इंडिया, और उसको लेकर तंज कस रही है और कह रही है कि जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं वोट फॉर इंडिया तो क्यों ना लोग वोट फॉर इंडिया करें और इंडिया को वोट दें। क्योंकि देखिए जिस तरीके से सोच समझ कर कहा जा सकता है कि महागठबंधन के द्वारा ये नाम रखा गया इंडिया, जिसको ना तो देश की जनता नकारेगी ना बिहार ना अलग अलग राज्यों की जनता, तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां महागठबंधन है वो इंडिया नाम रख रही है तो दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो साफ कह रही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेज के द्वारा देश में आई थी। क्या हुआ था, वही हाल है अब राहुल गांधी और महागठबंधन का, जो इंडिया नाम रख रहे हैं। इंडिया रखने से कोई जीत नहीं जाता, सुशील मोदी ने भी बीते दिन यही बातें कही थी कि इंडिया रखने से कोई नहीं जीत सकता, लेकिन अब देखिए जो लड़ाई है वो आर पार की हो गई है, एनडीए वर्सेस इंडिया नजर आ रहा है। एक तरफ जहां एनडीए के तमाम घटक दल हैं तो दूसरी तरफ अब एनडीए इंडिया में जो भी विपक्षी दल आए हैं वो एक तरफ नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 24 में जो नजर है वो दोनों तरफ बरकरार रहेगी। दोनों की जो पार्टियां हैं, दोनों जो गठबंधन है वो अपना दमखम दिखाएगी। हालांकि महागठबंधन जो है वो एनडीए नाम से खुश है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के पार्टी के साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के कहने पर भी ये एनडीए इंडिया नाम जो है वो रखा गया और तमाम लोगों के सहमति से रखा गया, तो इंडिया नाम से सभी लोग खुश हैं। तो दोनों तरफ जो दरार है वो इंडिया को लेकर है और अब देखना है कि इंडिया नाम कितना ज्यादा और गुल खिलाता है, क्या एनडीए गठबंधन पर इंडिया भारी होता है या फिर एनडीए गठबंधन फिर से बाजी मारता है। उत्कर्ष, वही कैबिनेट विस्तार को लेकर के क्या कुछ जानकारी है आपके पास, क्योंकि कहा जा रहा था कि कांग्रेस और राजद कोटे से मंत्री बनाए जाने की बात सामने आ रही थी कुछ दिनों पहले। अब
अब बिल्कुल देखिए, कांग्रेस कोटे से दो मंत्री और राजद कोटे से दो मंत्री हैं, वो बनाने थे और ये कैबिनेट एक्सपेंशन पहली विपक्ष की बैठक में ही ये बातें सामने आई थी। राहुल गांधी ने खुद नीतीश कुमार से बात किया था और नीतीश कुमार से ये तमाम बातें रखी थी और नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के संदर्भ में देख कर भी ये बातें कही थी कि होंगी। हालांकि देखिए, दो जो मंत्री थे राजद कोटे से उन्होंने भी इस्तीफा दिया था, कार्तिकेय मास्टर और सुधाकर सिंह। इसके बाद दो सीटें जो हैं वो राजद की भी खाली हुई थी और अब बात सामने थी कि जिस तरीके से मानसून खत्म होगा, मानसून सत्र उसके बाद विपक्ष की बैठक के बाद जो है एक्सपेंशन होगा, लेकिन ना तो एक्सपेंशन को लेकर बातें सामने आ रही हैं ना ही एक्सपेंशन को लेकर महागठबंधन के कोई नेता कह रहे हैं। जब बीजेपी ने सवाल खड़ा किया तो बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि कानून के हिसाब से नीतीश कुमार करते हैं और कानून के कहने पर ही, जब जो कानून के हिसाब की बातें होंगी उसी हिसाब से कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, किसी के कहने से नहीं होगा। यानी कि बीजेपी पर साफ तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी के कहने से बिहार में कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं होगा, जब वक्त होगा तो कैबिनेट एक्सपेंशन किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस जो है वो साफ कैबिनेट एक्सपेंशन पे लगी हुई है कि दो सीटें जो है वो कांग्रेस कोटे से और बढ़ जाए। फिलहाल कांग्रेस के दो मंत्री जो है वो बिहार में है और ऐसे में कांग्रेस साफ चाह रही है कि चार मंत्री जो है वो कांग्रेस के हो जाए, तो वहीं राजद के भी दो मंत्री जो है वो बचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपेंशन की बातें वो सामने जरूर आ रही है, लेकिन इस पर फिलहाल अभी महागठबंधन के द्वारा चुप्पी साधी गई है। ठीक है उत्कर्ष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।